हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि देख रहे थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें अब तक 12th पार्ट अपलोड कर दिया गया है और ये आपका 13th पार्ट है, जो कि फिर हम आज देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन देख रहे थे। ये जो क्वेश्चन है आपका 1993 में ये क्वेश्चन पूछा था, 10 मार्क्स का, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम इस लेक्चर में आगे कैरी ऑन करेंगे। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा कि हम आपको बता दिए कि ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन कर्नोट इंजन, तो इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ ए पार्ट हम देख चुके थे। तो ए पार्ट में निकालना था आपको वर्क डन बाय द गैस इन ए बी प्रोसेस। तो फिर से हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता दें कि कार्नोट इंजन में होता क्या है। तो पहले जब हम ए से बी, यानी कि एक साइकिल है, पहला तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा यू जीरो होगा। तो जैसा कि हम बात किए थे कि डेल्टा यू जीरो किस प्रोसेस के लिए होता है, क्योंकि डेल्टा यू जो है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इट मींस इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इट मींस इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, यानी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो स्टेट फंक्शन के बारे में हम बताए थे कि स्टेट फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही हो जाता है, जिसके वजह से उसका इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू जो होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। और वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी ए बी का अलग होगा, बी सी का अलग होगा, सी डी का अलग होगा, डी ए का, उसके बाद हम लास्ट में सारे को ऐड कर देंगे तब आपका क्या आता है, नेट वर्क डन। तो उस प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखे थे, क्यू डेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस पर भी हम बात किए थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब जब भी हम हीट किसी में देते हैं तो वो टू दो टर्म्स में कन्वर्ट होता है, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा वर्क डन करने में। तो ये दूसरा जो है वर्क डन करने में, तो ये देखे थे। और वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन ये पाथ फंक्शन होता है, इस पे हम बात कर चुके थे। और डेल्टा यू जो होता है ये इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है। और फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू बिकम्स जीरो। और हम बोल अब तक हम बात किए थे कि डेल्टा यू एक कंडीशन में और जीरो होता है जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो। और आइडियाबेटिक की बात करते हैं, तो आइडियाबेटिक क्या होता है कि सिस्टम यानी कि एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम या एनर्जी इन्वॉल्व इन सिस्टम दैट बिकम्स जीरो, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ये वर्क करता है। आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन्स कि ये क्यू मतलब कि ये बाहर से कोई एनर्जी लेता नहीं है, यानी कि जो भी होता है अंदर में, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है जब भी हम बात करते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि बाहर से ना अंदर हीट आता है ना अंदर से बाहर हीट जाता है। तो इसका अगर एक कोई एग्जाम्पल आप समझे, तो जब भी आप कोई भी साइकिल में हवा भरते हैं तो वो जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो उसके हेल्प से आप क्या करते हैं कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, किसी का भी प्रेशर क्विकली बढ़ रहा है या उसका वॉल्यूम क्विकली बढ़ रहा है, तो वो सारा प्रोसेस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है। और याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ वर्क करता है। आइसोलेटेड यानी कि इसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, जो भी होता है अंदर होता है, यानी कि इसमें क्यू का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू का वैल्यू इस सेंस में आप जीरो ले सकते हैं, क्योंकि ये हीट यानी कि हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सराउंडिंग या हीट रिलीज टू सराउंडिंग दैट इज जीरो।
यानी ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो अब तक हम देख लिए थे कार्नोट इंजन, हालांकि कार्नोट इंजन आपके सिलेबस में भी है, तो इसमें अब तक हम क्या देख लिए थे, तो कार्नोट इंजन में हम देखे थे कि जब ए से बी, हम जब ए से बी चलते हैं तो आपको क्या हो जाता है, जब ए से बी के तरफ जाते हैं तो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, यानी कि ये एक्सपेंड करता है, और आइडियाबेटिक एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद हम बी से सी जाते हैं तो ये आपका क्या है, पी और वी का डायग्राम है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है। तो प्रेशर इधर और वॉल्यूम इधर, तो ध्यान से देखिए, बी से सी जब जाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर इज स्टिल कांस्टेंट, सो इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। तो ये सब हम बात अब तक कर चुके हैं, तो बी से सी गए तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। और दूसरा आपको क्या दे दिया हुआ है कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिख जाएगा। उसके बाद फिर से सी से डी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और याद रखिएगा, बी से सी जब जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, और उसके बाद ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ए से बी जाते हैं तो क्या होता है, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, जब बी से सी जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, बी से सी में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और सी से डी में फिर आइडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, और फिर डी से ए जाने में हम क्या कर रहे हैं, फिर वापस से वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड दिस इज ऑल्सो ए आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इसमें भी हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट। हम क्या क्या देख लिए कि ए से बी आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, बी टू सी आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, एग्जैक्टली सी से डी आइडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, और फिर डी से ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। आप ध्यान से देखिए, इसमें कूलिंग हो रहा है, फर्स्ट वाले प्रोसेस में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आइसोकोरिक प्रोसेस पे ये क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, और ये आपका क्या है, हीटिंग। तो ये कूलिंग है और ये आपका हीटिंग है। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब तक हम देख लिए थे आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो आपको यही पूछा है कि फर्स्ट वाले पार्ट में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ए से बी बताइए आप वर्क डन क्या होगा। तो अब तक हम बहुत वर्क डन निकाल लिए थे फॉर ए आइडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन माइनस गामा माइनस वन। तो क्योंकि ये एक आइडियल गैस है, मोनोटोमिक आइडियल गैस है, तो जो मोनोटोमिक आइडियल गैस है तो पी वी बराबर एन आर टी हम लिख सकते हैं। और P2 यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज होगा, यानी कि इसका जो एरिया होता है, हालांकि वही वर्क डन होता है, जब P और V का ग्राफ बनाते हैं और आपका जो ये एरिया इंक्लोज्ड है, जो एरिया इंक्लोज्ड है वही वर्क डन होता है। और ए बी प्रोसेस के लिए आप ए से बी पे गिराए, बी पे ए से इस पे फॉल करें और बी से इस पे फॉल करें, लेकिन आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तो ए से बी पे हम यहाँ से फॉल करवाते और बी से यहाँ पे फॉल करवाते, और पी वी डायग्राम अगर हो, यानी पी वी ग्राफ हो, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ हो, प्रेशर वाई एक्सिस पे हो और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे हो, तो उसका जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो आप इसमें निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वापस से हम आते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस पे, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन पे, ए टू बी आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम वहां से भी निकाल लेंगे। तो एक तो है कि पीवी डायग्राम हो तो डायरेक्ट उसका आप एरिया इनक्लोज निकाल ले, वर्क डन वहां से भी आपका आ जाता है। लेकिन जब बात आइडियाबेटिक प्रोसेस की करते हैं, यानी कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, तो इस पे हम क्या करें, यहाँ से इस टाइप से फॉल करवा लेते, यहाँ से हम इस टाइप से आपका फॉल करवा के इसका जो एरिया इंक्लोज होगा वर्क डन हो जाएगा। लेकिन
इसमें निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि ना तो रेक्टेंगल बनने वाला है ना तो स्क्वायर बनने वाला है। तो आइए अब हम क्या चलेंगे, इसका क्लासिकल मेथड पे हम चलेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है। तो होता ये है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में रिलेशन, और उसमें जो गामा होता है, गामा वो होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। अब गामा क्या है, गामा यानी कि ये वाला गामा, गामा -1। तो ये जो गामा -1 है, ये जो होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट भी इसको बहुत जगह कहते हैं। तो बहुत क्वेश्चन में तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि आप बताइए एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होगा। सो गामा, और गामा के लिए हम बात करें जब मोनोटोमिक की, तो मोनोटोमिक के बाद के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि आप याद रखें 3 और लास्ट को स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मोनोटोमिक के लिए 3 क्या, सीवी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और यही अगर डायोटोमिक रहता तो आपको 5 याद रखना पड़ता। तो बेसिक है, एक का 3 याद रखें फॉर मोनोटोमिक, ये आपका मोनोटोमिक का है, और ये आपका हो जाएगा डायोटोमिक। तो मोनोटोमिक के केस में 3 और डायोटोमिक के केस में 5। और अगर हम कहें कि गामा यानी आइडियाबेटिक कांस्टेंट, तो वो होता है सीपी बाय सीबी, और सीपी और सीबी में तो अगर सीपी निकालना हो तो खाली प्लस आर कर देंगे, यानी कि 3R/2 में अगर आर आप ऐड कर देंगे तो अपने आप 5R/2 आ जाएगा। सो अगर हम गामा का वैल्यू निकालते हैं तो सीबी अगर 3R/2 है तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा। और दोनों को आपस में, दोनों का जो रेशियो होता है सीपी और सीवी का, दैट इज एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, दैट इज गामा। सो सीपी बाई सीवी जब कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, वो गामा आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 5/3। एग्जैक्टली आपको गामा आ गया। सो गामा इज नथिंग बट दैट इज 5/3। तो गामा हमारा निकल गया। तो क्या हम टेम्परेचर की बात करें, अब तक हम बात कर रहे थे एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट पे। तो फर्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी, जब वेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो वर्क डन, लेट्स फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, मोनोटोमिक, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्लासिकल क्या क्या देखे थे। तो अगर बात करें प्रेशर और वॉल्यूम की, सो पी वी दैट इज इक्वल टू गामा, ये कॉन्स्टेंट होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम का पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो क्या प्रेशर और वॉल्यूम में ही सिर्फ रिलेशन है, नहीं, टेम्परेचर भी वॉल्यूम में होता है। तो टेम्परेचर टी ये रहे और वी का पावर, यानी टी वी में अगर देखें टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो इसमें होता है 1 - गामा, ये कांस्टेंट होता है। तो क्या यहीं तक खेल खत्म है, बिल्कुल नहीं, अभी भी एक है। एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो ये कांस्टेंट है। टी वी का पावर 1 - गामा, ये कांस्टेंट है। ये बात किसके लिए हम कर रहे हैं, ए से बी प्रोसेस के लिए, और प्रोसेस जो हो आइडियाबेटिक हो। तो जब हम आइडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वर्क डन का वैल्यू ये होता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाय गामा -1। सो गामा तो हम निकाल लिए, दैट इज 5/3। बट बी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, जबकि ए पॉइंट पे टेम्परेचर आपका 1000 दिया हुआ है। तो एक तो आप इससे भी आप जा सकते हैं कि हम वॉल्यूम निकाल लें, जो कि वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, पी वी बराबर एन आर टी। तो पी वी बराबर एन आर टी आप ऐसे लिख लीजिए। तो पी वी बराबर एन आर टी में आपको ए पॉइंट पे वॉल्यूम पता है, बी पॉइंट पे आपको प्रेशर पता है, और आपको बी पॉइंट का ना टेम्परेचर पता है और ना वॉल्यूम पता है। तो आप इन इसके हेल्प से आप ये भी निकाल सकते हैं कि हमको प्रेशर पता है तो बी पॉइंट पे हम वॉल्यूम निकाल लें इसके हेल्प से। एग्जैक्टली वहां से भी आपका ये आंसर यहां से भी आ सकता है।
और अगर बात करें इससे भी, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, तो जो भी आपके लिए अच्छा लगे, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। और अगर हम बात करें टेम्परेचर वॉल्यूम का, तो अगर प्रेशर, तो प्रेशर यानी पी का पावर गामा और टी का पावर 1 माइनस गामा, दैट इज कॉन्स्टेंट, एक और रिलेशन होता है। तो तीन कांस्टेंट की बात अब तक हम कर चुके हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एक तो पी वी का पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट, टी वी का पावर 1 माइनस गामा, दैट इज कांस्टेंट, और लास्ट में हम बात किए हैं पी यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के पावर गामा, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर का पावर 1 माइनस गामा, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो तीन कॉन्स्टेंट की बात किए, आप जो भी कॉन्स्टेंट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे भी, क्योंकि तीनों से आ सकता है यहाँ से आंसर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टेम्परेचर, तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे। हालांकि आप कोई भी यूज कीजिए आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो आपको प्रेशर पता है, तो प्रेशर पता है तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, तो वॉल्यूम आपका वी पॉइंट पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो गया। यानी टेम्परेचर का पावर गामा, प्रेशर का पावर 1 माइनस गामा, दैट इज कॉन्स्टेंट, एक तो पी वी का पावर गामा होता है और एक आपका होता है टी वी का पावर 1 माइनस गामा, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो इसके हेल्प से हम यहाँ तक आए, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये रिलेशन। तो इस रिलेशन से हम पहुंचे, हमको चाहिए था पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, तो क्योंकि ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है, तो यहां तक हम आएंगे पी वी बराबर एन आर टी में। तो इसमें जो चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा, एन तो कॉन्स्टेंट है, अब ध्यान से देखिए, पी वी बराबर एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमको क्या चाहिए, पी वन वी वन या पी टू वी टू जो भी, माइनस पी वन वी वन। तो इधर एन 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 आपको क्या दे दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ, यानी कि एन का वैल्यू आपको दे दिया हुआ कि ये 2 मोल होगा। तो एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो इस पे भी तो हम कह सकते हैं टी टू माइनस टी वन। सो इसके जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ये अगर चेंज करेगा तो हमको पता है कि ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है, इट मीन्स बाहर से हम कुछ भी, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह, इट बिहेव्स लाइक ए आइसोलेटेड सिस्टम, सो देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग। सो दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन के जगह पे हम डायरेक्ट बी सब्स्टिट्यूट दिस टर्म, सो दिस टर्म्स, सो लेट्स फाइंड द टेम्परेचर एट द पॉइंट ए, दैट इज गिवन 1000, बट एट द टेम्परेचर एट द पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे अगर हमको टेम्परेचर निकालना हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि टी का पावर गामा और पी का पावर 1 माइनस गामा। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप नहीं निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या पता है, ए पॉइंट का प्रेशर, सिर्फ प्रेशर पता है, वॉल्यूम भी आपको पता नहीं है, यानी कि वॉल्यूम भी आपको नहीं पता है, तो वी वी यहां पे है, तो वॉल्यूम आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको प्रेशर पता है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे प्रेशर जो होगा 2/3 और ए, यानी आपको प्रेशर पता है और टेम्परेचर पता है। सो प्रेशर पता है और टेम्परेचर पता है, तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज दिस, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो देखेंगे, तो ए पॉइंट का टेम्परेचर कहता है क्या है कि टेम्परेचर का पावर गामा और प्रेशर का पावर 1 माइनस गामा, तो वही काम करते हैं, ये बहुत बेसिक का क्वेश्चन अब बन गया आपके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो अब हम क्या यूज करेंगे, अब सिंपली यूज करेंगे इसी फॉर्मूले को, आगे हम ट्रांसफर करते हैं, तो क्या लिखें, यानी टेम्परेचर एट द पॉइंट ए, टेम्परेचर एट द पॉइंट ए, प्रेशर एट द पॉइंट ए का पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, यानी कि ये कांस्टेंट होगा, सो इक्वल टू टेम्परेचर एट द पॉइंट बी, उसका पावर गामा, प्रेशर एट द पॉइंट बी, उसका पावर 1 माइनस गामा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या ये आपस में कांस्टेंट होता है, तो किसी भी पॉइंट पे ये कांस्टेंट होगा,
Each and every point of this A to B is an adiabatic process, so this condition is valid from A to V each and every point in this process which satisfy this equation. So हम क्या किए, A point पे लिखे, तो A point का temperature TA, उसका power gamma, और A point पे जो pressure होगा वो PA है, उसका power 1 minus gamma, that is equal to temperature, अगर इस point पे आ जाएंगे तो temperature at B और pressure at B. तो इसको बस आगे carefully solve कर लेंगे, तो क्या कर लेते हैं, B को हम इधर बुला लेते हैं, तो B का पावर हो जाएगा TA by TB, तो इसका पावर, दोनों का पावर गामा था, तो इसके पावर होल गामा हो गया, A का पावर गामा था, B का पावर गामा था, और इधर डिवाइड में बुला लिए, आपस में क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से A और B का पावर होल गामा हो गया, और PB का पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा. बस गामा का वैल्यू आपको पहले से पता है, बस वैल्यू रख देंगे, अब आपके लिए आसान हो जाएगा. तो इसको अगर हम सॉल्व करके आपको बताएं तो ये बहुत आसान अब हो गया. क्या किए हम, A पॉइंट पे टेम्परेचर, A पॉइंट पे प्रेशर, दोनों हमको पता था, वो हम लिख दिए, और इसको आगे पीछे ट्रांसफर करके हम किसी तरह लाएं, यहां से क्या आ जाएगा, टी ए बाई टी बी, हमको बस इस पॉइंट पे हमको टेम्परेचर निकाल लेना है, तो वहां से गामा का वैल्यू हमको पता है, एन का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, सब का वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा. सो इसका पावर गामा दैट इज इक्वल टू पी बी पी ए का पावर 1 माइनस गामा. तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा टी ए बाई टी बी. सो टी ए का वैल्यू तो आपको पता है 1000 के, तो इसका वैल्यू रख देंगे, हमको टी बी निकालना है, इसका पावर गामा, गामा का वैल्यू 5/3. पी बी यानी प्रेशर एट द पॉइंट बी दैट इज 2/3 टाइम्स एट द पॉइंट ए. सो पी बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2/3 पी ए डिवाइडेड बाई पी ए. तो ये पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएंगे, और इसका पावर क्या है, 1 माइनस गामा. तो पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा अगर हम केयरफुल्ली यूज करें तो ये आपका आ जाएगा 1000 के डिवाइडेड बाय टी बी, इसका पावर 5/3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2/3 का पावर 1 माइनस गामा. तो 1 माइनस गामा का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 माइनस गामा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस गामा हो जाएगा -2/3, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -2/3, तो ये आपका आ जाएगा -2/3 1 माइनस गामा. तो -2/3 यहां से आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और यहां से नेगेटिव साइन अगर करें तो ये आपका आ जाएगा, तो 1000 के बाई टी बी दैट इज इक्वल टू, इधर 5 है तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर 1/5, तो इधर से -2/5 आ जाएगा. तो इसका वैल्यू आपको इस रिलेशन में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू अगर यहां पे दिया हुआ है तो इसका वैल्यू बस हम पुट कर देंगे, और आपका वैल्यू आ जाएगा, वर्क डन का यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1000 के डिवाइडेड बाई टी बी दैट इज इक्वल टू 1/2/3 का पावर 2/5. अब इसका वैल्यू हमको कितना दे दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको, इस टर्म का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, सो टी बी दैट इज इक्वल टू, अब इसको आपस में तो 0.85 आपको वैल्यू दे दिया हुआ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो यहां से आपका आ जाएगा
0.85, और 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 850, तो इतना कैल्विन आपका आ जाएगा, 850। तो ये आपका आ गया टेम्परेचर एट द पॉइंट बी। इसको सॉल्व किए तो टेम्परेचर हमारे बी पॉइंट का 850 केल्विन कर देंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका आ जाएगा 850 केल्विन, यानी टेम्परेचर हमारा बी पॉइंट का आ गया। अब बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, अब कुछ बचा नहीं। तो एन एन का वैल्यू आपका कितना दे दिया था, 2 मोल। आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.23। अगर इसका बात आप करें तो ये आपका आ जाएगा T2, यानी कि फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर आपका आ गया T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं T1 माइनस T2, क्योंकि इस बार टेम्परेचर 800 से आपका कितना हो रहा है, 850 हो रहा है, यानी टेम्परेचर का लॉस हो रहा है, और टेम्परेचर का लॉस हो रहा है तो यहां से आप, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, इसको लिख सकते हैं NR delta T। तो वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव का, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो यहां से आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर का तो लॉस हो रहा है लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। तो याद रखिएगा वर्क डन, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का ही अब थोड़ा सा आपको गेम होगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि सिस्टम वर्क डन कर रहा है, यानी सिस्टम पे जो वर्क डन होता है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो सिस्टम का वर्क डन यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसका वैल्यू ये 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल। और आर का वैल्यू 8.32 आप ले सकते हैं, ये 8.3 होता है इसका वैल्यू, और बाकी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 850, और नीचे क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1, गामा का वैल्यू कितना है, 5/3 माइनस 1। अब इसका वैल्यू जो आपका आ गया वो आपका आ जाएगा वर्क डन का वैल्यू। सो वर्क डन एट ए बी डेट इज इक्वल टू 1 × 8.3, और यहां से आपका आ जाएगा 50, यानी 150, और यहां से आपका आ जाएगा 2/3, तो यहां से आपका आ जाएगा 3 × 3/2 × 8.3 × 150। तो ये आपका आ जाता है करीब करीब, यहां से अगर वैल्यू देखें तो ये आपका आ जाएगा 2 से, तो ये 4.1 के आसपास ये आएगा, और 150 × 3, तो यहाँ से 45 × 4.1 × 10, तो 45 तो ये आपका आ जाएगा 5/4 18, और यहां से इतना, तो यहां से आपका आ जाएगा 18 1845, इतना जूल के आसपास आप रख सकते हैं। तो ये इतना जूल आपका क्या आ गया, इतना वर्क डन आ गया ए से बी प्रोसेस में। अब आपका सेकेंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि हीट लॉस्ट बाय द गैस इन बी से सी प्रोसेस में आपको क्या बताना है, हीट लॉस, प्रोसेस कौन सा है, कूलिंग हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट लॉस्ट इन प्रोसेस बी टू सी, तो बी टू सी आपको दिख रहा है कि ये आपका एडियाबेटिक
एक्सपेंशन था, और ये आपका सिंपल सा बात है आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये सिंपल सा बात है, ये कार्नोट इंजन है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये एक्सपेंड कर रहा है, अब हम अगर बात करते हैं बी से सी प्रोसेस की, यानी कि हीट, यानी हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट बाय द गैस एट द प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, सी में आपको Q का वैल्यू चाहिए। तो Q जब आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो जैसा कि Q फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये होता है, ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके हेल्प से हम देखें तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो चेंज वॉल्यूम में नहीं हुआ। सो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वर्क डन, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू इट शुड बी जीरो। सो क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि जितना भी हीट देंगे वो सारा हीट उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने या घटाने में ही लगेगा, यानी कि डेल्टा यू में ही चेंज आएगा, यानी कि ये आपका क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये आपका आ गया Q का वैल्यू, Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, तो यहां से आपका आ जाएगा। और बाकी आपका क्या है, डेल्टा W का वैल्यू, यानी कि डेल्टा W यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब ये होता क्या है, एन आर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए, जब बी से सी, बी पॉइंट पे इस बार आपको टेम्परेचर आ गया, अब सी पॉइंट पे आपको टेम्परेचर पता नहीं है, तो अब हम सी पॉइंट का टेम्परेचर निकालेंगे। ये आपका वर्क डन आ गया था, पी टू वी टू एन आर टी टू, तो इसके हेल्प से हम यहां तक पहुंचे। इसको अगर थोड़ा सा और यूज करें तो आपका आ सकता है फोर पॉइंट समथिंग, हम तो फोर पॉइंट समथिंग लेके इसको हम आगे डील कर दिए, 8.3 से अगर इसको एक्यूरेट चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, और यहां पे 3, तो ये 1 तो 2 1 और ये 5 आ जाएगा, यानी कि 4.15 से आप अगर थोड़ा सा आगे करें तो ये आपका आ जाएगा थोड़ा सा इससे ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा थोड़ा सा आ जाएगा। सो ये इतना जूल आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं सेकेंड वाला पॉइंट, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो होपफुली थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका अगर हम बात करें, चेंज इन टेम्परेचर, प्रोसेस बी टू सी आपको आइसोकोरिक है, बी टू सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां से आपका आ जाएगा Q का वैल्यू डेल्टा U, यानी कि एन आर डेल्टा T, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट का तो टेम्परेचर आपको पता है, तो यहां से अगर देखें तो टी सी माइनस टी बी, ये आपका आ जाएगा Q का वैल्यू, और W तो डेल्टा W जीरो है। तो अब ध्यान से देखिए, टी सी का टेम्परेचर अगर हमको निकालना है, तो आपको पता है ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV बराबर nRT, सो PV बराबर nRT है, तो आपको क्या क्या पता है, C पॉइंट का प्रेशर पता है, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर निकालना बहुत आसान है। सो T यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि आपका आइसोकोरिक प्रेशर है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है,
वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन आर वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं पी बाय टी, दैट इज कांस्टेंट। तो याद रखिएगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो पी बाय टी दैट इज कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर बी पॉइंट का, फिर प्रेशर टी पॉइंट का, टेम्परेचर बी पॉइंट का और टेम्परेचर सी पॉइंट का, अब इस रिलेशन से हम यूज करेंगे। तो हमें हम ये सकते हैं पी एट पॉइंट बी, टी एट द पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो पी बाई टी इधर लिखेंगे और बाकी इधर क्या आ जाएगा, एन आर बाई बी, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट ही होगा, ये एन मोल वन मोल इसका वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग, या ये कांस्टेंट। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं पी टी दैट इज कांस्टेंट। तो हम फिर यूज करेंगे, तो प्रेशर एट बी, टेम्परेचर एट बी दैट इज इक्वल टू, यानी कि रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा वो प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस में, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू 0 है यहाँ पे। तो यहां से हम देखेंगे टेम्परेचर यानी कि प्रेशर एट सी दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट सी। तो यहां से आपको टेम्परेचर सी, प्रेशर आपको पता है कि पी ए बाई थ्री है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पी सी का वैल्यू आपका आ जाएगा टी सी, यानी टेम्परेचर एट द पॉइंट सी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा पी बी, तो पी बी का आपका प्रेशर पता है पी बी डिवाइडेड बाई पी सी, तो यहां टी सी आ जाएगा इंटू टी बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी बी। तो बस आप इस वैल्यू पे आप पुट कर दीजिए, तो यहां से आपका टी सी का वैल्यू आ जाएगा टेम्परेचर एट द पॉइंट सी। पी बी क्या है आपका, 2/3 है, 2/3 पी ए। पी सी क्या है, 1/3 पी ए एम टी क्या हो जाएगा टी बी, यानी कि टेम्परेचर बी पॉइंट। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, और यहां से आपका आ जाएगा 2 टाइम्स 580 यानी कि 850। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 0 0, इतना टेम्परेचर आपका आ गया, 1700 टेम्परेचर आपका आ गया, किस पॉइंट पे, 2 टाइम्स PV, 2 टाइम्स 1/3, 1/3 के, हाँ, तो ये आपका आ गया टेम्परेचर एट द पॉइंट सी दैट इज 1700, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहां से पी टी सी का वैल्यू यहां से पी बी पी सी बाई पी बी हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में है ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बस इजी कीजिए, आराम से आ जाएगा, टी सी इधर आ जाएगा और पी बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 4 2 और ये आपका 5, इतना टेम्परेचर आपका आ जाएगा, इतना कैल्विन। तो ये आपका आ जाएगा इतना आपका केल्विन, ये टेम्परेचर आपका आ गया 425, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 425 डिग्री K, इतना टेम्परेचर आ गया। अब टेम्परेचर आ गया, बस आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, यहाँ से Q का वैल्यू आपको डायरेक्टली निकल जाएगा, तो Q का वैल्यू आप बस पुट कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, हीट लॉस्ट। ध्यान से देखिए, पहले टेम्परेचर इतना था, तो कार्नोट इंजन का काम क्या होता है ये भी आपको इसमें समझ में आएगा। तो कार्नोट इंजन हीट को किसी तरह रिलीज करता है, तो ध्यान से देखिए, पहले जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन से जब हम निकाल रहे थे तब इसका हीट लॉस 1000 से 850 हुआ, और 850 से अब ये घट के कितना हो गया, 425। तो यहां से क्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा, एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 8.3, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहां से आपका क्या आ गया, तो फाइनल इनिशियल माइनस यानी टीबी
माइनस टी सी, और टी सी का टेम्परेचर आपको पता है, तो 8.3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर आपका आ जाएगा। तो इसका समझिए कि हाफ हो गया, इसका आधा हो गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आपका कितना आ गया, 25, यानी 425 चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया। और यहाँ से आपका आ जाएगा इतना जूल का हीट लॉस्ट हुआ, यानी कि इतना लॉस हम झेलें, तो ये आपका आ गया क्या, इतना जूल। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्यू का वैल्यू। अब इसका लास्ट पार्ट पे हम आते हैं कि टेम्परेचर एट द पॉइंट डी, इस पॉइंट का आप टेम्परेचर बताइए। मोनोटोमिक के केस में 3/2 R होता है, किसके, मोनोटोमिक, ये आपका मोनोटोमिक है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R तो ये रहेगा ही, और इसमें 3 nCV, ये आपका हो जाएगा nCV∆T। तो CV का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, nCV, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू nCV∆T। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 R/2, R का वैल्यू 8.3 होता है, और यहां से 3/2 से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो गया, आप हीट इनर्जी निकालें, और हीट इनर्जी क्या होता है, एनसीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम हीट निकालते हैं, याद रखिएगा दो चीज, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू निकालते हैं तो nCV∆T, और जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं सो nCP∆T। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्यू दोनों में हम क्या निकालते हैं, हीट ही निकालते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ तो nR∆T, और कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ तो nR∆T। तो यहां से आपका क्या आ गया, ये आ गया, तो हीट ट्रांसफर आप यहां से निकाले, और लास्ट में हमको टेम्परेचर डी पॉइंट का हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में मतलब कि कार्नोट इंजन का ये मस्त लाजवाब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम क्या निकालें, क्यू दैट इज nCV, nCV∆T, n का वैल्यू 1, cv का वैल्यू 3/2 R, अ चेंज इन टेम्परेचर 445, 425, ये आपका आ जाएगा 1.5 इंटू आर का वैल्यू 8.3 और 425, इतना जूल आपका क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट इन प्रोसेस B2C। तो ये आपका आ गया। अब इसको आपस में अगर अब मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका हम अगर करें तो ये करीब करीब आपका आ जाएगा, बस अब ये मल्टीप्लीकेशन रहा है। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, तो लास्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि टेम्परेचर डी पॉइंट पे, क्योंकि देखिए जो इंजन है वो करता क्या है, करता है कि वो टेम्परेचर को बट घटा रहा है। ध्यान से देखिए, ए पे 1000 था, बी पे 855 घटाएं, और वो फिर यहाँ पे कूलिंग किया, फिर हमको डी पॉइंट का यानी कि टी डी यानी टेम्परेचर एट पॉइंट डी, डी पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, डी पे जो टेम्परेचर होगा वो सबसे कम होगा, यानी कि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कोई भी इंजन, इंजन हम क्यों लगाते हैं, इंजन क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि वो मोशन के वजह से, हीट लॉस के वजह से वो बहुत ज़्यादा, कोई भी इंजन हीट ज़्यादा करता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको उसके हीट को यानी उसके टेम्परेचर को हम घटाने का काम करता है। इसीलिए हम जो भी इंजन पढ़ते हैं कार्नोट इंजन, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे घट रहा है, और घट सबसे ज़्यादा किस में रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में सबसे ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि उसमें वर्क डन नहीं हो रहा है, इसमें वर्क डन भी हो रहा है तो हीट लॉस उतना ग्रेजुअली नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या किया, एडियाबेटिक कंप्रेशन किए, तो हम देखते हैं, तो अब तक क्या देखे सब, जब यहां से सी से यानी कि टी सी का वैल्यू आपको कितना आया था, 425 केल्विन। अब ध्यान से देखिए, सी से फिर हम जाएंगे सी से डी, तो ये क्या है, एडियाबेटिक एडियाबेटिक आपको कौन सा है, एक्स, अब इस बार क्या हो जाएगा, कंप्रेशन है। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या क्या, सी पॉइंट तक अब तक हम निकाल चुके हैं, तो सी पॉइंट का हम टेम्परेचर हमको पता है, तो जैसा कि हम अभी तक देखे थे पी वी का पावर गामा, डेट इज कांस्टेंट आइडियाबेटिक के लिए, टी वी का पावर 1 माइनस गामा,
ये कांस्टेंट है, और अभी तक देखे थे टी का पावर गामा और पी का पावर 1 माइनस गामा, ये भी कांस्टेंट है। हमको इस बार फिर टेम्परेचर निकालना है, तो और हमको क्या पता है, क्या हमको सी पॉइंट का वॉल्यूम पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर पता है, और क्या सी पॉइंट का आपको प्रेशर पता है? एग्जैक्टली पता है हमें कि सी पॉइंट का जो होगा वो ए पॉइंट से 1/3 होगा। तो यहाँ पे आपको पता है सी और डी का, तो डी का अगर हम देखें तो सी का हमको यहाँ पे प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, यही रिलेशन है, तो इसके हेल्प से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टेम्परेचर, यानी ये वाला दोनों चलेगा। क्या हमको वॉल्यूम पता है? तो वॉल्यूम में कोई रिलेशन हमें नहीं पता है, तो वॉल्यूम अगर आपको नहीं पता है तो आप इस रिलेशन से जा सकते हैं कि टेम्परेचर हमको सी पॉइंट का पता है, प्रेशर सी पॉइंट का पता है, और डी पॉइंट का हमको कुछ भी नहीं पता है, ना हमको प्रेशर पता है और ना तो हमको वॉल्यूम पता है। तो इसको अगर हम देखें तो डी पॉइंट पे वॉल्यूम पता है, ना डी पॉइंट पे आपको प्रेशर पता है, यानी कुछ भी आपको पता नहीं है। यानी ये जो क्वेश्चन है काफी लाजवाब है, आइडियाबेटिक और कारनोट का ये लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि जेई 1993 में ये क्वेश्चन पूछा है। यानी आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आपको निकालना है। अब कैसे हम निकाले, ये तो आपका आ ही जाएगा। ये प्रोसेस आइडियाबेटिक है, और जब ये डी से ए जाएंगे तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, और आइसोकोरिक इट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डी टू ए दिस वे, सो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, हेंस पी बाई टी इज कॉन्स्टेंट। अभी हम यूज किए थे तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एट द पॉइंट डी, टेम्परेचर एट द पॉइंट डी दैट इज इक्वल टू, हम लगा सकते हैं इस पे कि प्रेशर एट द पॉइंट ए, टेम्परेचर एट द पॉइंट ए, इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोकोरिक है। और अगर ध्यान से देखिए, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन आर वैसे भी कांस्टेंट हो सकता है, तो पी बाई टी दैट इज एन आर बाई वी, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम ये लगा सकते हैं किस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए, तो हम लगा दिए कि प्रेशर एट द पॉइंट डी, टेम्परेचर एट द पॉइंट डी, प्रेशर एट द पॉइंट ए और टेम्परेचर, तो ये रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। अभी हमको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी अब इस रिलेशन में हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको टेम्परेचर डी पॉइंट पे चाहिए, वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, डी से ए प्रोसेस आइसोकोरिक था, तो ये रिलेशन, या तो इस रिलेशन को आप यूज करेंगे। हम तो हम फिर यूज करेंगे ये वाला, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट द पॉइंट सी का पावर गामा, टेम्परेचर एट द पॉइंट सी, तो प्रेशर एट द पॉइंट सी उसका पावर 1 माइनस गामा दैट इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन हम यूज किए। फिर हम यूज करेंगे टेम्परेचर एट द पॉइंट डी, जो कि हमको निकालना है, इसका पावर गामा, और गामा का वैल्यू आपको पता है क्या, गामा का वैल्यू आपका हम पहले निकाले थे 5/3, और यहाँ पे प्रेशर एट द पॉइंट डी इसका पावर 1 माइनस गामा। तो अगर हम इसके हेल्प से इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और यहाँ पे डी इसका पावर क्या हो जाएगा, गामा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट सी, इधर हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, तो प्रेशर एट द पॉइंट डी और प्रेशर एट द पॉइंट सी इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा। तो ध्यान से देखिए, सी पॉइंट का टेम्परेचर आपको पता है, डी पॉइंट का निकालना है, गामा का वैल्यू भी आपको पता है, तो गामा का वैल्यू बस रखेंगे, तो यहाँ से आपका जाएगा टी सी बाई टी डी का पावर गामा,
अब ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं तो प्रेशर का रिलेशन, यानी कि यहां से हम लिखेंगे तो पी डी माइनस पी ए, पी डी माइनस पी ए दैट इज टी डी माइनस टी ए। तो अगर दोनों का हम देखें तो प्रेशर की बात करें डी पॉइंट का, तो डी पॉइंट का आपको प्रेशर नहीं पता है, लेकिन डी पॉइंट का अगर हमको प्रेशर निकालना है तो पी डी का वैल्यू अगर हम देखें तो टी डी, तो यहां से हम आ जाएगा टी डी बाई टी ए इंटू पी ए लिख सकते हैं। तो यहां से हम ले लीजिए वैल्यू, पी डी का वैल्यू यहां से ले लेंगे, यानी कि प्रेशर जो कि हमको नहीं पता है उसको हम ले लेंगे, तो वो आ जाएगा पी डी का वैल्यू है से आपका आ जाएगा टी डी बाई टी ए इंटू पी ए इसके टर्म में। तो हाँ, उसका वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो पी डी का वैल्यू रख देंगे टी डी, यानी टेम्परेचर एट द पॉइंट डी, टेम्परेचर एट द पॉइंट ए जो कि हमको पता है, प्रेशर एट द पॉइंट ए दैट इज पी ए डिवाइडेड बाय, और पी सी के जगह पे हम लिख सकते हैं दिस वे, यानी कि पी सी दैट इज इक्वल टू पी ए बाई थ्री। तो बस यहाँ पे रख देंगे पी सी दैट इज पी ए बाई थ्री। तो ध्यान देंगे पी ए से पी ए कैंसिल, और ये इसका पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा। अब इसको आगे हम बस कैरी ऑन बस करते हैं, तो इसको अगर हम आगे कैरी ऑन करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी सी बाई टी डी का पावर गामा, गामा का वैल्यू आपका 5/3 है, और यहाँ से आपका आ जाएगा पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, और थ्री जो नीचे, तो यहाँ से टी डी इंटू टी ए और इंटू थ्री, इसका पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा, तो वन माइनस गामा तो 1 - 5/3। अब इसको हम थोड़ा सा खाली अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी सी का वैल्यू पता है, टी डी का जिसका भी वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू रख दीजिए, टी सी का वैल्यू आपको 4/25 पता है, टी डी को टी डी रख लेंगे, अब टी डी को यहाँ से टी डी रख लेंगे, और इसका आपको 1000 पता है, 1000 इंटू थ्री का पावर ये -2/3 आ जाएगा। अब इसके हेल्प से हम अगर देखें तो इसके हेल्प से तो इधर हम देख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, अब ये इसका आ जाएगा वैल्यू, सो टी डी का पावर इधर आपका 5/3 चल रहा था, और ये -2/3 है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये 2/3 रहेगा, तो 4/25 / TD यानी टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट डी, और इसका पावर क्या है 5/3, और नेगेटिव साइन को ऊपर से नीचे करना है तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आएगा, और नीचे और क्या आ जाएगा, टी डी आ जाएगा, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2/3, 3 से 3 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, अब जो 5 है इधर आ जाएगा, तो 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4/25 हो जाएगा बाई टी डी दैट इज इक्वल टू 1000 / 3 इंटू टी डी का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। सो यहाँ से एक ही अननोन आपको दिख रहा है, वो है टी डी, और टी डी का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 500 K केल्विन। तो यहाँ जो आ जाएगा टी डी का वैल्यू 500 K आपका आ जाएगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, दिस इज बेस्ट ऑन कार्नोट इंजन, जो कि आपका बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब इसको बस एक ही अननोन यहाँ से बच गया है आपका 2/3, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से देख लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 से आपका आ जाएगा टी डी का वैल्यू 500 केल्विन। तो ध्यान से देखिए 1000 से चलें 855 225, यहाँ से डी पॉइंट पे आपका क्या हो गया, इस पॉइंट पे आते आते इसका टेम्परेचर 500 आ गया, यानी कि आधा आ गया, यानी कि जितना था उसका हाफ हो गया यहाँ आते आते। सो दिस इज प्रोसेस, यानी कि
इस प्रोसेस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर हाफ हो जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते, 850 था 225 हो गया, 1000 है तो 500 आ जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आपके लिए मायने रखता है। सो दिस इज बेस्ट प्रॉब्लम फॉर कैरनोट इंजन, दिस इज एस एन जे 1993।